कोरोना बेले संजीवनी हला इस्पात जगत। इस्पात कारखाना रु जोगागला 72,000 टन रु ऊर्ध मेडिकल ऑक्सीजन। कोरोना मुकाबला रे इस्पात मंत्री भाबरे धर्मेंद्र प्रधान को बड़ योगदान। प्रधानमंत्री नेतृत्व में केन्द्र मंत्री निर्देश अनुजाई कोरोना संकट समय रे समन्वित इस्पात कारखाना देश में कोविड रोगी नवेम्बर सुधा 72,000 टन रु अधिक मेडिकल ऑक्सीजन जोगाइबारे सफल होती। कोविड रोगी श्वास समस्या थिले लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन व्यवहार होता है, जहाँ दृष्टि रखी देशर बृहत्तम इस्पात कंपानी जता सेल, RINL, JSPL, JSW स्टील और टाटा स्टील विभिन्न राज्य में संगरोध वार्ड परीक्षण सुविधा केन्द्र स्थापन करने खाद्य सामग्री मास्क सानिटाइजर इत्यादि बंटन करते। इस्पात शिल्प ऑक्सीजन उत्पादन प्रक्रिया सह जड़ित थिबारु प्रधानमंत्री देशर इस्पात कारखाना माध्यम रे ऑक्सीजन जोगाण वृद्धि करबा निमन्ते परामर्श देथिले, जहाँ इस्पात मंत्रालय पई एक बड़ चैलेंज थिला, कारण स्वल्प समय मध्य ऑक्सीजन जोगाण को वृद्धि करबार थिला एवं अपर पक्ष रे समग्र भारतवर्ष रे एहार जोगाण को सुनिश्चित करबार आवश्यकता मध्य रहिथिला। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना को सफलतार सह नेतृत्व नहीं केन्द्रमंत्री धर्मेन्द्र प्रधान निर्धारित समय सीमा पूर्व देश में 8 कोटी LPG संयोग करिवार सफल होते। भारत में COVID-19 महामारी विरुद्ध लड़ाई में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लॉकडाउन आरंभ करी पीएम केयर्स फंड रु आत्मनिर्भर भारत पैकेज, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना, COVID-19 विरुद्ध जन आंदोलन और COVID-19 टीकार विकास निम्ते उद्यम करिवार अग्रणी नेतृत्व नहीं। प्रधानमंत्री मोदी नेतृत्व में समस्त मंत्रालय और यार अधीन राष्ट्रायत्त उद्योगगुड़िक COVID-19 विरुद्ध लड़ाई में सहयोग करने संकट समय देशर नागरिक मानू साहित पदक्षेप नहीं। महामारी समय समय भारत PPE किट मास्क उत्पादन में वृद्धि घटाई केवल घर चाहिदा को पूरण करना बर अत्यावश्यक सामग्री को बाहर देश को रप्तानी कर निजर संबल और सामर्थ्य को विश्व आगे प्रतिपादित करो। रिपोर्ट अर्गस न्यूज।